नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है कॉलेज ओपनिंग के लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती हूं। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आई हूं एक नए टॉपिक के साथ। इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो को देखें। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं मेन बताऊंगी। अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन होती है, फिर आप कॉल करके डायरेक्ट मुझसे पूछते हैं मैडम ये इशू वो इशू, तो मेरा क्या है कि इरिटेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा कॉल्स आने की वजह से, जबकि मैं उस चीज़ को वीडियो में अपने क्लियर कर चुकी होती हूँ, फिर भी कॉल्स आते हैं। और इसका रीज़न ये होता है कि आप लोग हाफ वीडियो देखते हो, तो स्किप करके देखिए या स्पीड बढ़ा के देखिए, बट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको प्लीज़ देख लिया कीजिए, ताकि मैं आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। ठीक है, फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो जो आज का न्यूज़ है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को लेके है। हालांकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी साइड से बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्लाइंट्स के मन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अभी तक चल रहे हैं, जैसे ये सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लोग इन टेक के लिए एडमिशन लेना शुरू कर दें या नहीं करें, लैब मटेरियल लगाएं ना लगाएं, ये सब सेकेंडरी क्वेश्चन है। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता देती हूँ, एक बार फिर से थर्ड अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी जा रही है। एक बार फिर से पोर्टल खोला जा रहा है PCI के द्वारा, जिसका एक सितंबर 2022 से आप एप्लीकेशन लगाना शुरू कर सकते हैं, और लास्ट 7 तारीख तक आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान रखें कि अभी जो आप लोगों ने जिन लोगों ने 3,50,000 पेमेंट कटवा दी थी, वो लोग आगे बढ़ें, आगे का प्रोसीजर फुल सबमिट करके डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करके फाइनल पोर्टल को सबमिट कर दें, और जो फ्रेश हैं वो फ्रेश बिल्कुल शुरुआत करें। अब इसको लेके जो फ्रेश वाले हैं उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम मान लीजिए अभी फ्रेश फाइल लगा देते हैं तो क्या हमें स्टेट NOC दे देगी? तो बिल्कुल देगी, स्टेट का काम ही है NOC देना। बस उनकी शर्त सिंपल सी होती है कि आप उनके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफ़िल करें। अगर आप सोचेंगे कि मेरी इच्छा हो रही है और मैं अपनी इच्छा से फाइल लगा दूं, तो उसके बिहाफ पे आप आगे जाके प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, स्टेट NOC बिल्कुल नहीं देगी। तो ये स्टेट का मैटर हटा देते हैं, फिलहाल PCI का पोर्टल भरने पे आप लोगों को मेन फोकस करना चाहिए। अब बात आती है कि क्या ये सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि FDR का और सेशन को लेकर कोर्ट के अंडर में अभी प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि टाइम लगेगा, बट सेशन मिलने के 90% चांसेस हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 दिन पहले एक बार फिर से एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें AICT सहित समस्त संस्थाओं को, हालांकि एक और चीज़, मैंने वो गैजेट जब कुछ लोगों को भेजा तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम ये तो AICT के लिए, अरे आप पूरा तो पढ़िए, उसमें AICT एंड अदर्स जो संवैधानिक तरीके से एज ए एक्ट काम कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन रिलेटेड संस्थाएँ हैं जैसे AICT, PCI, NCT, सब के ऊपर ये लागू होगी। सत्र को बढ़ाया गया है, सत्र को बढ़ाने को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, हर कोई जानता है। बीएड अलग परेशान है, नैप आ रहा है जिसकी वजह से उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेटेड कोर्स मार्केट में दिया जाए, बीएड BTC दिया जाए, बहुत सारे कंफ्यूजन है मार्केट में। इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से फोकस करते हुए लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि आप लोग रिलैक्स रहें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको और मौका दे रहे हैं। ये मौका क्लाइंट्स को भी है और शैक्षणिक संस्थानों को भी है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। सेशन अगर मिलना होगा तो 100% मिलेगा, और जिस हिसाब से डिले हो रहा है, जिस हिसाब से काउंसलिंग की डेट को बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि सेशन मिलेगा। अगर हाँ, जो लोग एक बार में पास हो गए, जो फर्स्ट इंस्पेक्शन PCI की निकाल के ले जाते हैं, उन्हीं लोगों को ये सेशन मिलेगा। जो लोग शॉर्टकमिंग की लिस्ट में चले गए, जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं लगी या जिनके ग्राउंड लेवल पे कमियां पाई जाती हैं, तो वो लोग नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। ये वो लोग ये उम्मीद ना करें कि मेरे को शॉर्टकमिंग लगा और साथ ही साथ मुझे ये सेशन मिल जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं क्लियर कर रही हूँ। फिर उसके बाद आती है लैब मटेरियल की। लैब मटेरियल आपके लिए लगाना ज़रूरी है, चाहे ये सेशन मिले चाहे नेक्स्ट सेशन मिले। ज़रूरी का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आज ही लगाइए कल ही लगाइए। अगर आपको PCI की मान्यता लेना है तो आपको लैब मटेरियल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लैब मटेरियल एकदम से 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आपके पास नहीं पहुंचता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो वो आपके अपनी सिक्योरिटी के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो आप उसको लगा लेते तो बेटर है। वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके कॉलेज में पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी और को देंगे या वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं फोकस लैब मटेरियल लेने पे नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करिएगा। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ, एक जर्नल आप लोगों को सलाह देना चाह रही हूँ कि बुक्स, लाइब्रेरी और लैब मटेरियल अपने प्रिंसिपल, अपने लैब ऐसे
असिस्टेंट की आप लोग तैयारी करके रखें, क्योंकि इंस्पेक्शन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ज़मीन बिल्डिंग और रिलेटेड डॉक्यूमेंट की जांच तो स्टेट कर लेती है कि आपके पास मानक पूरे हैं या नहीं है, आप उस बिल्डिंग में अन्य संस्था चला रहे हैं ये भी बताना स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन PCI क्या देखने आती है कि अगर आपने डी फार्मेसी के लिए आवेदन किया है तो आप हमारे डी फार्मेसी के नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या वो देखेगी, वो आपका लैब आइटम देखेगी। अगर बच्चे किसी प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं, अगर हम आपको सेशन दे देते हैं तो क्या आप कैपेबल हैं कि आप हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे पढ़ा सकें। देन आपके पास प्रिंसिपल है, क्या आपका डाटा मेंटेन है, क्या आपने रजिस्टर मेंटेन किया है, क्या आपके कंप्यूटर्स विद सॉफ्टवेयर अपडेट हैं, क्या आपने रजिस्टर में सारी एंट्री करा रखी है। तो ये सारे कुछ पॉइंट है। हालांकि PCI की तैयारी के लिए क्या क्या आपको तैयारी करनी है ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी अगर मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया इन सारी चीज़ों को तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है तो उसको पूरा यूटिलाइज़ करिए, और बिना किसी टेंशन के स्टेट NOC देगी नहीं देगी, आप अपना पोर्टल भर के कंप्लीट कर लीजिए। बाद में नेक्स्ट देखा जाएगा कि स्टेट क्या कर रही है। स्टेट करने कभी किसी को मना नहीं किया कि हम आपको NOC नहीं देंगे। हाँ, उसकी भी कुछ सीमाएँ होती हैं जिसके अंतर्गत वो काम करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और जो भी अपना हाईकोर्ट है उसके दिशा निर्देश का पालन करना ही पड़ेगा राज्य सरकार को, चाहे वो आज करे चाहे वो कल करे। ठीक है, तो इस मैटर को लेके आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोग अपना पोर्टल भरिए। NOC एक सेकेंडरी फैक्टर है, स्टेट को सूचना देना प्राइमरी है। ठीक है, सूचना देके एक रिसीविंग लेके देन आप पोर्टल आगे बढ़ा दीजिए। देन उसके बाद हम आते हैं कि लैब मटेरियल वाला टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। अब प्रिंसिपल आपका मैंडेटरी है, प्रिंसिपल ग्राउंड लेवल पे इंस्पेक्शन में होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए। वो इंस्पेक्शन के टाइम में प्रिंसिपल इतना इम्पोर्टेंट है। एक प्रिंसिपल आपके मान्यता को सुनिश्चित करेगा, एक प्रिंसिपल पूरे पैनल को हैंडल करता है क्योंकि वो जवाबदेह पर्सन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही आपको मान्यता मिलने वाली है। तो प्रिंसिपल को हल्के में ना लें। देन आपकी लाइब्रेरी मेंटेन होनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करती हूँ कि जल्द मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। हाँ, साथ ही साथ एक BEd की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे कि मैंने बता दिया कि अब BEd की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो प्रॉब्लम चल रही है इंटीग्रेटेड और BEd BTC को लेके, तो 99% चांस हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के लिए ही पोर्टल ओपन किया जाएगा। बस एक इशू आके फंस जाएगा कि आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो इंडिविजुअल BEd BTC ही चलाते हैं, जिनके पास डिग्री कॉलेज नहीं है, अनदर कोर्स नहीं है। तो ऐसे कॉलेज क्या करेंगे, क्योंकि ये ना तो नए कोर्स की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे ना ही मल्टी डिसिप्लिनरी में हो पाएंगे। तो NAP जो नई शिक्षा नीति आई है, एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके अंतर्गत जरूर कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है कई इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करके इंस्टीट्यूशंस को रन किया जाए, या फिर ऑलरेडी जो डिग्री कॉलेज चला रहे हैं उनसे टाइप करके आप अपना BEd खोल सकें। तो जो भी चीज़ें होने वाली हैं ये आप लोगों को आने वाले 2-4-5 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि किसी की कहीं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको ऑफिशियल नोटिस पर ना देने। हर कोई कहता है न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ कहीं नहीं आती है। न्यूज़ जो आती है आज रात को बदल भी सकती है। जो न्यूज़ मुझे 2 बजे मिली, हो सकता है कि अगले दिन 12 बजे वो न्यूज़ बदल जाए। तो न्यूज़ कोई न्यूज़ नहीं होती जब तक आप उसको ऑफिशियली ना देख लें। हाँ, थोड़ी सी जानकारी ज़रूर आप लोगों को हेल्प करती है एक्स्ट्रा अलर्ट रहने के लिए, बट ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ मेरी परफेक्ट न्यूज़ है। या फिर कोई भी अगर आपको ये कह रहा है नहीं मुझे न्यूज़ मिली है या फिर मैं 100% श्योर हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। गैजेट ओपन होने दीजिए, रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। पोर्टल भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या दस्तावेज़ है वो मैंने बता दिया। एक प्रिंसिपल का डॉक्यूमेंट हो गया, जमीन बिल्डिंग के पेपर्स हो गए। इससे ज़्यादा पोर्टल भरने के लिए PCI का कुछ भी नहीं मांगा गया है। बेसिक्स पेपर्स है, एफिडेविट है, और आपका कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म्स वगैरह हैं कि हमारे जो कॉलेज है उसमें हम एंटी रैगिंग सेल भी बनाएंगे, और जो रिक्वायरमेंट है PCI के नॉर्म्स की वो सारी चीज़ें हम बनाएंगे। तो एक डिक्लेरेशन आपको अपने इंस्टीट्यूशन के लेटर हेड पे लिख के साइन सील करके अपलोड कर देना है। तो कुछ भी ऐसा खास डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। एक नक्शा आप अपने पास रखिएगा, एक ज़मीन का पेपर और उसके बाद एक प्रिंसिपल का पेपर, बस इतना काफ़ी है PCI का पोर्टल भरने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को चाहिए प्लीज़ कमेंट में उसको लिखना ना भूलें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ। चलिए, ओके, थैंक यू।